बागपत से बड़ी खबर है। आपको बताएं कि यहां बागपत में मस्जिद गिरने वाली है। इसके बारे में आपको बताते हैं, 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने मस्जिद को गिराने का ये निर्देश दिया है। तालाब पर कब्जा कर बनाई गई थी ये मस्जिद। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। अवैध कब्जा हटाने के लिए अब कमेटी भी बनाई गई है। लोगों को समझाया जाएगा और उसे बातचीत करने के बाद इस मस्जिद को ढहाया जाएगा। मुस्लिम याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी और ये काफी दिनों से पूरा केस चला आ रहा था। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50 साल पहले तालाब की जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई थी, जिसे अब गिराया जाएगा। दरअसल राजपुर खामपुर गांव के रहने वाले गुलशार ने बीती 29 जुलाई को हाईकोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया कि गाँव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। कुलदीप चौहान हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या जानकारी मिल रही है, कब ये मस्जिद को ढहाया जाएगा और आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि 50 साल पुरानी ये मस्जिद है। बिल्कुल दीपाली, देखें बता दूं कि मैं राजपुर खामपुर गांव में ही हूं और यहीं इसी गांव के एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसने अपील की थी। उसने कहा था कि तालाब की जमीन पर कब्जा करके गांव में मस्जिद बनाई गई थी। उस मस्जिद को लेकर के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन भी हरकत में आया है और 30 लोगों की समिति, 30 अधिकारियों की समिति बना करके उसमें कार्रवाई करने की जिलाधिकारी की तरफ से बातें कही जा रही हैं और अभी फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। मैं गांव में ही मौजूद हूं, यहां पर लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो मस्जिद है जिस मस्जिद को तालाब की भूमि पर बताया गया है कि तालाब पर अवैध कब्जा कर इस मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन वहीं इस गांव के लोगों का कहना, आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है, घनी आबादी है यहाँ पर, यहाँ पर आसपास घर बसे हुए हैं और इस मस्जिद को ही बताया गया है। अधिकारी फिलहाल तैयारी में जुटे हैं। वहीं हमारे साथ ग्रामीण है, इन ग्रामीणों से बात कर लेते हैं कि कितनी पुरानी ये मस्जिद है और क्या कहते हैं लोग इस आदेश को लेकर के। क्या नाम है जी आपका? अली निवाज है जी। अच्छा, ये मस्जिद को जो आदेश आए हैं इसको गिराने के, तो इसको क्या कहना है? कल था जी गिराने ने चाहिए। कितनी पुरानी मस्जिद है? 70-80 साल हो गए जी। हमारे तो मतलब हम छोटे थे जी, मस्जिद हमने मस्जिद ही देखी थी जी। हाँ जी, क्या कहेंगे जैसे आदेश आए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? गलत है जी, मतलब गिननी नहीं चाहिए मस्जिद। हाँ। हमारे साथ और भी ग्रामीण है, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी? मीर हसन नाम है जी। मीर हसन, मस्जिद को लेकर के जो आदेश आया है क्या कहेंगे इस पर? आप कितनी पुरानी मस्जिद पर पूरा जानना चाहेंगे? जी हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, कम से कम 60-65 साल तो हो गए कम से कम मस्जिद को। यहाँ कोई जोड़ी वोड़ी हमने तो देखी नहीं, जोड़ी वोड़ कुछ भी नहीं देखा हमने। यहाँ हमने तो खाली मस्जिद देखी और मस्जिद भी बराबर में कब्रिस्तान कब्रिस्तान की बता रहे हमारे बड़े, तो कब्रिस्तान बता रहे थे। गांव का कौन व्यक्ति है जिसने चीज को? गुलजार नाम है जिसका, तेलियों में से उसने करी। क्या कहेंगे मतलब जैसे अगर कार्रवाई होती है? लोग काफी दिनों से इस मस्जिद से जुड़े हुए, काफी दिनों क्या काफी सालों